इस दारुनाज में भी कहानी से नहीं, जो पैसे लगाते उसी में बनाता हूँ। हाँ, जो था जानती हुई क्या है, हर कोई शांत है। डायरी है ये? ऐसी वैसी डायरी नहीं है। ऐसी डायरी है? बॉलीवुड डायरी से कहानी है इसमें, रियल लाइफ कैरेक्टर, रेड लाइट एरिया की कहानी लिखा हुआ। एंड यू आर नॉट फिट, गेट लॉस्ट। पहला डायरेक्टर देखा है, दो आंखें होके, दो आंखें लगा के भी इसको पूरा का पूरा रेड लाइट एरिया में देखा। देखो देखो मुझे पूरी की पूरी रेड लाइट एरिया चल के आई है। यस आउच, दिस नो कास्टिंग काउच, शट अप। बकवास करने के लिए बताओ। Hello, we are back. Welcome to Funky Friday F2. And आज हम बात करेंगे about Bollywood Diaries. मुंबई बॉलीवुड। मैंने इसका एक और नाम सोचा है। तुम्हारे साथ आ गया हूँ तो Bollywood Diaries, you know. Shut up. Actually, Bollywood obsession. Bollywood passion. Acting मेरी blood में है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, चमड़ी गोरी हो या काली, बस चमड़ी में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट 52 साल का पति मुंबई जाना चाहता है एक्टर बनने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसे कितने लोग कर चुके हैं? तीन लोग जो ऑब्सेस्ड है। आई मीन इसका नाम बॉलीवुड डायरीज ही, बॉलीवुड ऑब्सेशन। बहुत ऑब्सेस्ड, क्रेजी, बहुत क्रेजी, बहुत। I mean, crazy अच्छा है, we are crazy, crazy is good. लेकिन obsession, it is not good. कि आप मार भी सकते हो और मर भी सकते हो। मैं कॉलेज में एक्टर था, best actor. मुझे पागल मत करो। Bollywood के लिए इतना पागलपन कभी नहीं देखा। Coming down to the direction of the film. कौन था वो? केडी सत्यम। कौन? केडी सत्यम। That is nice. The director actually carried and elaborated and captured jo bhi English words hote hain acche acche sara essence of all the millions of people who want to make it big in Bollywood. But the main key hook point of the film is music. The music is tremendous. It goes in sync with the feelings, feeling of the characters, feeling of the film. Every song. Nitin Patwa has made magical music with a singer's voice which is equally magical. Three stars.